तो अभी हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन प्रिपरेशन फ्रॉम जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी का सॉल्यूशन प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये हमारे पास इथिलीन ऑक्साइड की एम्पुल्स वायल रेडी होके आती है, बाहर से हम लोग मंगवाते हैं उसको। हम लोग वो उसमें 1 ml ऑलरेडी इंजेक्शन होता ही है, 1 ml का एम्पुल्स आती है। अभी उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले उसमें से 1 ml इंजेक्ट करके 5 ml डीएमएसओ, डीएमएसओ यानी डाई मिथाइल सल्फोक्साइड से 5 ml मेकअप करेंगे। हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी मेकअप किया हुआ ही है ये 5 ml डीएमएसओ के साथ। इससे हम लोग ने 5 ml मेकअप किया है इसको इसमें लेके। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये अपना 100 ppm का सॉल्यूशन बना है। अभी हमको 1 ppm सॉल्यूशन बनाना है, 100 में से 1 ppm बनाना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 में से हम लोग 10 ppm बनाएंगे, 10 में से उसके बाद 1 ppm सॉल्यूशन मेकअप करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 10 ppm सॉल्यूशन बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 1 ml पिपेट से इंजेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 1 ml की पीपेट है। अभी हम लोग ने 1 ml इंजेक्ट कर लिया। अभी हम लोग क्या करें, इसमें 10 ml बाकी 5 ml डीएमएसओ डालेंगे। ये जीसी ग्रेड डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, अभी हम लोग ऐड करेंगे इसमें। अभी हम लोग ने 10 ppm इथिलीन ऑक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक करके अभी ये अपना 10 ppm का सॉल्यूशन रेडी हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 ppm का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, अभी हम लोग 5 ml सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिक पीपेट से इंजेक्ट करेंगे। अपना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ऐसे में, इसमें से हम लोग 5 ml इंजेक्ट करेंगे।
अभी हम लोग इसमें DMF डायमिथाइल फॉर्मामाइड से 50 ml मेकअप करेंगे। तो ये अपना रेडी हो गया 100 में से 1 ppm इथिलीन ऑक्साइड का सॉल्यूशन फॉर GC। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले सेक करेंगे और उसके बाद हम लोग ये अपनी 20 ml की हेडस्पेस वाइल है उसमें हम लोग 2 ml इंजेक्ट करेंगे। ये अपनी 2 ml की वॉल्यूमेट्रिक पीपे थे। अभी और इसमें हम लोग 2 ml हेडस्पेस वायल में इंजेक्ट करेंगे। यह हमारा सेफ्ट आयो फॉर हेडस्पेस वाइल के लिए, वो बॉटल बॉटल का सेफ्ट आ रहा है वो। यह हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेसर हो गया, स्टैंडर्ड हो गया एक फॉर हेडस्पेस इथिल ऑक्साइड के लिए। अभी हम लोग सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन यह हमारा प्रोडक्ट है, यह अभी हम लोग उसको ओपन करेंगे। में से सूचर निकालेंगे और उसको राउंड अप करेंगे ऐसे और इसमें डालेंगे। और इसमें हम लोग 2 ml ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF ऐड करेंगे।
और उसको भी सेप्टा से टाइटली टाइट कर दीजिए उसको। ये अपना सैंपल प्रिपरेशन हो गया, उसको हम लोग 35 टू 45 मिनट सेकिंग के लिए कर रहने देंगे। अभी सैंपल 35 मिनट्स 45 अराउंड 35-45 मिनट्स के बाद हम लोग जीसी में ये सैंपल रखेंगे। उसके पहले ये स्टैंडर्ड रखेंगे, ऐसे 6 स्टैंडर्ड हम लोग रखेंगे। उसके बाद 6 स्टैंडर्ड को हम लोग कंपेयर करेंगे, उसका सिस्टम सुटेबिलिटी और समरी रिपोर्ट निकालेंगे। जो रिपोर्ट आएगा उसके साथ अभी सैंपल को मैच करेंगे कि सैंपल में ईओ है या नहीं। ये सैंपल रन होने के बाद